सो गाइज, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइज, आज मैं लेके आया हूँ YouTube कोर्स का सेकंड पार्ट, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया था कि Gmail कैसे बनाते हैं। अगर आपके पास Gmail नहीं है तो आप एक YouTube चैनल नहीं बना सकते, और अगर आपके पास Gmail है तो आप एक YouTube चैनल बना सकते हैं। तो मैंने ये तो बता दिया कि Gmail कैसे क्रिएट करते हैं, और आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि YouTube चैनल कैसे क्रिएट करते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। लाइव प्रूफ आपको मैं करके दिखाऊंगा, और आपने अभी तक Gmail क्रिएट नहीं किया है तो Gmail क्रिएट करने के बाद ही YouTube कोर्स के सेकंड पार्ट को देखें। तो गाइज, आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि YouTube का कोर्स मतलब सेकंड पार्ट है, इसके अंदर आपको मैं कंप्लीट ये जानकारी दूंगा कि एक YouTube का चैनल होता है उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। सो गाइज, तो कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट नहीं देखी तो कुछ ना कुछ पॉइंट आपका मिस हो जाएगा अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप कर दिया। तो चलिए गाइज, करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। सो गाइज, अगर आप एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल में हैं तो मोबाइल या क्रोम ओपन कीजिएगा, और पीसी में हैं तो पीसी या क्रोम ओपन कीजिएगा। तो पीसी या क्रोम ओपन करने के बाद एक यूट्यूब पर क्लिक करोगे आप, जो कि आपको यूट्यूब का आइकन दिखाई देगा, और फिर आप साइन इन पे क्लिक कर दोगे, और जो भी आपने मेल आईडी जो पहले बनाई थी और आप यहाँ पर डाल दोगे। मेल आईडी डालने के बाद आपको पासवर्ड डालना पड़ता है, तो अभी मैं आपको मेल आईडी डाल के दिखा रहा हूँ, जो कि आपको अभी थोड़ी ब्लर दिखाई देगी। तो मेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो भी आपने पासवर्ड लिखा था, तो वो डालने के बाद एंटर पे क्लिक कर दीजिएगा। ये क्लिक करने के बाद एक बार आप यहाँ पर कुछ भी कन्फर्म करना चाहते हो, मोबाइल नंबर वगैरह, तो कन्फर्म कर सकते हो, और होम एड्रेस डालना चाहते हो होम एड्रेस डाल सकते हो। और मैं अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं करना चाहता था, इसलिए नोट नाउ पे क्लिक किया। तो देखिएगा, ये यूट्यूब पे हमारे यहाँ पे ओपन हो चुकी है आईडी, और हम करेंगे क्रिएट ए चैनल के ऊपर क्लिक। तो क्रिएट ए चैनल के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ सामने आ जाएगा, योर क्रिएटर जर्नी बिगिंस। तो इस पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे, और जैसे कि आप लिखा हो चूज हाउ टू क्रिएट योर चैनल, यूज योर नेम, अगर आप अपना नेम यूज करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यूज ए कस्टम नेम, आपको कुछ अलग नेम रखना है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं मेरा नेम ही यूज करना चाहता हूँ, तो इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर लिया है मैंने इसको। जैसे हमारा नेटवर्क चल रहा है उस हिसाब से प्रोसेसिंग हो जा रही है। और नाइस वर्क, योर चैनल सोनू राव हैज बीन क्रिएटेड, ऐसा लिखा हुआ हमारे सामने आ गया, यानी कि हमारा चैनल यूट्यूब चैनल हो चुका है क्रिएट। और अब ये क्रिएट होने के बाद आप यहाँ पर अपने चैनल का लोगो लगा सकते हैं, जो भी आप लोगो लगाना चाहें। तो इस हिसाब से मैं कुछ भी सिलेक्ट कर लूँगा, जो कि मैंने पहले लोगो बनाया हुआ होगा वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। इसको रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर सकते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस कर सकते हैं। तो टेल व्यूअर्स अबाउट योर चैनल, और आप डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं कि सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, तो ये लिख सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन में शो होगा, जो भी चैनल का डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पर शो होगा, प्लीज सपोर्ट मी। और जैसे आपने वो बनाए हैं सोनू राव के नेम से, तो यहाँ पे लिखोगे सोनू हैशटैग सोनू हैशटैग राव, और एक बार इकट्ठा लिख दोगे हैशटैग सोनू राव। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है चैनल के डिस्क्रिप्शन में। ये लिखने के बाद अगर आपको कोई साइट है आपकी, तो आप यहाँ पर यूआरएल डाल सकते हैं, आप अपना फेसबुक अकाउंट दे सकते हैं, आप अपना ट्विटर अकाउंट दे सकते हैं, और आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दे सकते हैं। ये लिखने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो भी आपने यहाँ पे डाला था वो हो जाएगा सेव, और आपका चैनल हो जाता है रेडी। तो इस प्रकार से कुछ टाइम प्रोसेसिंग लेगा, और आपका चैनल इस प्रकार से हो गया है रेडी, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ये चैनल अभी अभी नया क्रिएट किया है, अभी एक भी सब्सक्राइबर इस पर नहीं है। और अगर आपको लिंक चाहिए तो आप लिंक को कॉपी कर सकते हैं, अगर आपके मोबाइल में है तो आपको सिंपली लिंक मिल जाएगी, वरना अगर आप पीसी में तो आपको इतना लिंक लेकर इसको कॉपी कर लेना, जो स्लैश दिखाई दे रहा है उससे पहले का लिंक आपको कॉपी कर लेना, और आप किसी के पास शेयर करना चाहो व्हाट्सएप पे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे, तो आप अपने चैनल के लिंक शेयर कर सकते हैं। और इस प्रकार से आपका चैनल हो गया क्रिएट, और ज़्यादा कुछ आपको और कुछ भी नहीं करना है। और आपको वीडियो अपलोड कैसे करनी है, तो पहले वीडियो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, जो भी आपको डेस्कटॉप पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपलोड वीडियो का ऑप्शन, तो पहले आप वीडियो यहाँ से अपलोड कर सकते हो। दूसरी वीडियो जब आप अपलोड करेगा तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपलोड वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आपने वीडियो बनाकर तैयार रखी हुई है,
वो वाली वीडियो यहाँ पर चूज करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको एक बार काट देंगे, क्योंकि हमें पता है कि वीडियो अपलोड कैसे करनी, जो कि मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ। तो अपलोड वीडियो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे, और सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद जैसे कि मैं आपको कोई भी एक वीडियो अपलोड करके अभी दिखा देता हूँ कैसे वीडियो अपलोड होती है। तो ये वी के प्रैंक भाई का गाना है, ये मैं अपलोड के तौर पे यूज करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे अपलोड करते हैं इसको। तो गाना सिलेक्ट कर लिया मैंने और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। तो ये ओपन करने के बाद आपको अभी आगे दिखाऊंगा कि जैसे इस गाने का नेम पानी अखिया का है बाय वी के प्रैंक, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो इस प्रकार का मैंने टाइटल डाल दिया। आप टाइटल कैसे डालोगे, डिस्क्रिप्शन कैसे डालोगे, ये मैं कंप्लीट आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो आज मैं यहाँ पर कुछ भी लिख के आपको दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे अपलोड करना। स्टार्टिंग में आप पहले स्टेप में जब वीडियो अपलोड करोगे तो कैसे अपलोड करोगे। तो ये म्यूजिक है, तो मैंने हैशटैग म्यूजिक लिख दिया यहाँ पर। और आपको थंबनेल कैसे अपलोड करना है, अगर आप पीसी में तो इस प्रकार से आपको अपलोड करना है, मोबाइल में भी सेम यही तरीका मिलेगा अगर आप क्रोम में चला रहे हो तो। और आपका थंबनेल टू ऐड कस्टम थंबनेल फर्स्ट वेरीफाई योर नंबर, तो आप थंबनेल अपलोड नहीं कर सकते अगर आपने नंबर को वेरीफाई नहीं कराया, तो वेरीफाई उस प्रकार से करा सकते जैसे कि मैंने अभी क्लिक किया। तो कॉल मी या फिर वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज हम चाहेंगे, तो नंबर को वेरीफाई कराने के लिए इस प्रकार से आपको करना है और यहाँ पर नंबर डाल देना है, जो भी आपके पास अपना खुद का नंबर हो वही नंबर यहाँ पे डालना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो अब हमारे पास मैसेज आएगा, एक कोड आ जाता है, उस कोड को आप यहाँ पर डाल दोगे जिससे कि आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा, और इस पर सबमिट पे क्लिक कर दोगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका नंबर हो चुका है वेरीफाइड, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन यूर यूट्यूब अकाउंट हैज नाउ वेरीफाइड, वेरीफाइड हो चुका है। तो अब आप अपना थंबनेल यहाँ पर डाल सकोगे, एक मिनट के बाद ये वेरीफाई हो गया है। तो ये थोड़ा अपलोड हो जाने दो, थोड़ी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाने दो। और अगर आपको प्लेलिस्ट की जरूरत है तो मैं आगे आने वाले कोर्स में आपको बताऊंगा प्लेलिस्ट कैसे बनानी है, जरूरत तो पड़ेगी भाई प्लेलिस्ट की, पक्का हर एक यूट्यूबर को जरूरत पड़ती है। और अगर आप यस इट्स मेड फॉर किड्स पे क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, और आप नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स पर क्लिक करोगे तो जो आपके सब्सक्राइबर हैं उनके पास आपका नोटिफिकेशन चला जाएगा, और ये 95% प्रोसीड हो चुकी है जो भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और मोर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप यहां पर टैग डाल सकते हो जो भी आपने अपलोड किया है। तो आपको टैग कैसे मिलेंगे, आप कहां से अच्छे अच्छे टैग ले सकते हैं, मैं आगे आने वाले YouTube कोर्स में आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आगे आने वाले कोर्स में आपको पक्का सिखाऊंगा। और आप यहां पर कैटेगरी क्या डालोगे, जैसे कि आपने म्यूजिक डाला है, म्यूजिक की वीडियो अपलोड की है, तो म्यूजिक की कैटेगरी आप यहां पर डालोगे। और आल कमेंट कर सकते हो अगर आप चाहते हैं कि हमें हर एक कमेंट दिखे, जो भी कमेंट आए वो दिखे, तो एलो आल आल कमेंट पे आप क्लिक कर सकते हो। तो इस प्रकार से हो चुका प्रोसेसिंग, HD वर्जन कंप्लीट हो चुका, तो इसको नेक्स्ट करेंगे। और आप यहाँ पर एंड स्क्रीन लगा सकते हैं आगे आने वाले कोर्स में, मैं आपको बताऊंगा। एड कार्ड लगा सकते हैं आगे आने वाले कोर्स में, आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और इसको पब्लिक कर देंगे। तो ये पब्लिक हो चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये पब्लिक हो चुकी है, इसकी लिंक मिल चुकी है। इस लिंक को कॉपी करके आप व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। तो अभी ये कंप्लीट हो चुके हैं, जो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आप पर थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, उसके हिसाब से थोड़ी प्रोसेसिंग इस हिसाब से चल रही है जैसे कि आपको दिखाई दे रही है। तो जैसे कि वीडियो है, इस पर हमने थंबनेल नहीं लगाया था, वेरिफिकेशन कंप्लीट कराया था। तो अब आप यहाँ पर थंबनेल चूज कर सकते हैं जो भी आपको यहाँ पर लगाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर पानी का थंबनेल पहले बनाया हुआ है, पानी वाले सॉन्ग का, तो इसके ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर दूंगा। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार से आप एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करेंगे, और इस प्रकार से आप अपनी वीडियोस को यूट्यूब चैनल पर डाल सकते हैं। सो गाइस, तो कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको कंप्लीट बातें बता दी जाएगी कि यूट्यूब पे क्या क्या आपको समझ में नहीं आया। और आगे आने वाले कोर्स में मैं लेकर आ रहा हूँ कि टाइटल कैसे डालेंगे, डिस्क्रिप्शन कैसे डालेंगे, टैग्स कैसे डालेंगे जो कि सर्चिंग में आ जाए, उस हिसाब का मैं आपको बताता रहूंगा। सो गाइस, तो यही वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं, वरना बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।